जमारत छान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान, दिखाता हूँ अपराध जगत के खेल, मैं हूँ क्राइम मदारी। हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आई लेडी डॉन, नामी गैंगस्टर को हथियार सप्लाई करती थी ये रिवॉल्वर रानी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं तार, अब पहुंची जेल। ये सोशल मीडिया पर रहती थी एक्टिव, हथियारों को लहराते हुए पोस्ट करती थी वीडियो, नाम है मंजू आर्य उर्फ मीनू। ये कोई साधारण महिला नहीं बल्कि अवैध हथियारों की सप्लायर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी लेडी डॉन मंजू उर्फ मीनू है, जिसे हरियाणा की झज्जर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लेडी डॉन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में नामी गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने का काम करती थी। उत्तराखंड के नैनीताल में दो लोगों की हत्या की कोशिश कर चुकी इस लेडी डॉन का अगला टारगेट इसका पति ही था, लेकिन पुलिस ने उसे समय रहते दिल्ली के एक इकबाल उर्फ विनय सहित धर दबोचा और अब दोनों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। पुलिस के शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि लेडी डॉन मंजू आर्य उर्फ मीनू बदमाशों को हथियार मुहैया कराने का काम करती थी। डेढ़ साल में वह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई नामी गैंग के बदमाशों को हथियार सप्लाई कर चुकी है। मंजू आर्य मध्य प्रदेश से हथियार लाती थी और उसके बाद उन्हें बदमाशों तक पहुंचाने का काम करती थी। उस पर हत्या की कोशिश और आर्म सेट के मामले दर्ज हैं। लेडी डॉन मीनू सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती थी, कभी हथियारों के साथ, कभी फायर करते, कभी हथियार लहराते, कहीं पिस्तौल तो कहीं बड़े हथियार उठाए। बहुत सारे फोटो और वीडियो उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रखे हैं। वही एक वीडियो में तो मीनू उर्फ मंजू पिस्तौल से फायर करते हुए भी दिख रही है। दिखने में साधारण सी दिखने वाली इस लेडी डॉन के खिलाफ झज्जर में भी साथियों के साथ गन पॉइंट पर रोहतक व झज्जर में कार लूटने के दो केस दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए इस लेडी डॉन के कई वीडियो वायरल हुए, जो अब दो लोगों को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर चुकी थी, जिसमें इसके टारगेट पर इसका पति और झज्जर के एक व्यक्ति का नाम शामिल है। इस मकसद में कामयाब होने से पहले ही अपनी पुलिस जी ने उसे धर दबोचा और इसके साथ ही इकबाल पर भी तीन आपराधिक मामले दिल्ली और हरियाणा में दर्ज बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉन मंजू आर्य और मीनू की शादी जालंधर निवासी एक शख्स के साथ कई साल पहले हुई थी। मंजू के आचरण को देख पति ने उससे अलग रहने का फैसला कर लिया था। उसके बाद से ही दोनों के बीच कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। इसी बीच मंजू आर्य और मीनू ने रखा अपराध की दुनिया में कदम और ले ली लॉरेंस बिश्नोई गैंग की शरण, और अब ये लेडी डॉन अपने पति को ही ठिकाने लगाने का प्लान बना चुकी थी। झज्जर में एक कार लूट की वारदात के खुलासे के बाद लेडी डॉन मंजू का नाम सामने आया और ये लगातार पुलिस के रडार पर थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रविवार को लेडी डॉन मीनू को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। वहीं उसके साथ ही दिल्ली के किराड़ी सुलेमान नगर निवासी इकबाल और विनय को झज्जर से धर दबोचा। पुलिस अब लेडी डॉन के अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। तो साहबान, ये लेडी डॉन न केवल अवैध हथियारों की सौदागर है बल्कि अन्य अपराधों में भी संलिप्त है, जिसे पुलिस ने अब इसकी असल जगह यानी जेल पहुंचा दिया है। अपराध की दुनिया में महिलाओं की भागीदारी वास्तव में चिंता का विषय है और ऐसी महिला अपराधियों पर अपनी पुलिस जी को कसना ही होगा शिकंजा। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट न पाए।